नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से इस समय आ रही है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि वहां पर तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर और नेशनल अवार्ड से सम्मानित एसपी जगन्नाथन का रविवार को निधन हो गया है। हम आपको बता दें कि जगन्नाथन गुरुवार को अपने घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जगन्नाथन को बचाया नहीं जा सका। पहले उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और रविवार को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जगन्नाथन के निधन पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों ने ट्विटर पर अपना शोक व्यक्त किया है। हम आपको बता दें कि श्रुति हसन, विजय सेतुपति सहित कई तमिल सितारों और सेलिब्रिटीज़ ने शोक जताया है। खबरों के मुताबिक गुरुवार को जगन्नाथन अपनी फिल्म की एडिटिंग करने के बाद लंच करने के लिए अपने घर गए थे। जब वह काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके असिस्टेंट उनके घर पहुँचे और उन्हें वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए देखा, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मगर गुरुवार से लेकर आज तक उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था और आज डॉक्टरों ने उन्हें फाइनली मृत घोषित कर दिया। जगन्नाथन पेरुन्मई और ईआर कई जैसी मशहूर तमिल फिल्में बना चुके हैं। साल 2004 में ईआर कई के लिए जगन्नाथन को बेस्ट तमिल फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जगन्नाथन अभी विजय सेतुपति और श्रुति हसन की फिल्म लाबम पर काम कर रहे थे, उसी की एडिटिंग का काम चल रहा था। कोरोना वायरस के कारण यह फिल्म पिछले साल से अटकी हुई थी और इसके साथ ही इस साल इस फिल्म की रिलीज की बात चल रही थी।